हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2019 के जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होंगे उनके बारे में। पहले हम लोग बुक्स को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड चेक किया जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस याद हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऑल इम्पॉर्टेंट बुक्स 2019। पहला बुक है हमारा चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया किसने लिखा है? मनमोहन सिंह ने। किसने लिखा है? मनमोहन सिंह ने। अपने कार्यकाल में आपको पता है कि 2004 से 14 तक इनका कार्यकाल रहता है और चेंजिंग इंडिया, ये पीएम रहते हैं इंडिया के, तो इस वजह से इन्होंने बुक लिखा था कि इतने सालों में क्या क्या इंडिया में चेंज हुआ है। तो याद करिए, चेंजिंग इंडिया किसने लिखा है? मनमोहन सिंह ने। फिर हमारा बीकमिंग। बीकमिंग बुक लिखा है मिशेल ओबामा ने। ठीक है, आपको पता है कि ओबामा जब प्रेसिडेंट रहते हैं तो व्हाइट हाउस में जो मिशेल ओबामा की जो पर्सनल लाइफ रहती है एंड इसके अलावा व्हाइट हाउस में उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है बीकमिंग नाम के बुक में। मतलब बीकमिंग अ कॉमन वाइफ, अदरवाइज बीकमिंग फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये कौन थी? फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका थी, याद रखिएगा। तो इन्होंने बुक लिखा है कौन सा? बीकमिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा नोट्स ऑफ अ ड्रीम। नोट्स ऑफ अ ड्रीम देखिए एक बायोग्राफी है। अब बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर होता है? देखिए, बायोग्राफी में लिखी जाती है, दोनों में जीवनी ही लिखी जाती है, आत्मकथा ही लिखी जाती है, लेकिन एक में किसी और के द्वारा अगर लिखी गई है तो ऑटोबायोग्राफी होगी और स्वयं वह व्यक्ति जिसकी आत्मकथा लिखी गई अगर उसने लिखा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? बायोग्राफी कहेंगे। ठीक, तो नोट्स ऑफ अ ड्रीम क्या है? एक बायोग्राफी है। या किसने लिखा है? कृष्णा तिरलोक ने लिखा है। ठीक है, किसकी बायोग्राफी है? तो रहमान की, A.R. रहमान जो कि फेमस सिंगर है, उनकी बायोग्राफी है। याद रखिएगा, नोट्स ऑफ अ ड्रीम। अगला हमारा लेट्स टॉक ऑन AIR। तो रेडियो जॉकी है, कैसे वो अपनी आवाज़ से लोगों को प्रभावित करते हैं, कैसे लोगों का मन बहला के रखते हैं, या उस पर लिखी गई बुक है लेट्स टॉक ऑन AIR। या लिखा है राकेश आनंद बख्शी ने। किसने लिखा है? राकेश आनंद बख्शी ने। अगला हमारा गेम चेंजर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने लेटेस्ट में ही आपको बताया था इसके बारे में। यह बुक लिखा है वजाहत एस खान ने। कुछ लोगों को लगा होगा कि ये बुक लिखा गया शाहिद अफरीदी पे। हाँ, ये लिखा गया है उनके ऊपर, लेकिन किसने लिखा है? तो यह लिखा है वजाहत एस खान ने। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं गेम चेंजर के बारे में, जो बुक लिखी गई है शाहिद आफरीदी के ऊपर। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं शाहिद आफरीदी और यह लिखा किसने है? वजाहत एस खान ने। अगला है हमारा वी आर डिस्प्लेस्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह लिखा गया है मलाला यूसुफजई के ऊपर। आपको पता है यह नोबेल अवार्ड विनर है मलाला यूसुफजई। इन्होंने इस बुक में बताया है जो रिफ्यूजी गर्ल्स होती हैं, ठीक, तो उनके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है वी आर डिस्प्लेस्ड इस बुक में। अगला हमारा अ रूलर मैनिफेस्टो। या किसने लिखा है? तो वरुण गांधी ने लिखा है अ रूलर मैनिफेस्टो। याद कैसे करेंगे इस बुक को? याद करिए, अभी देखिए कांग्रेस हार चुकी है, तो वरुण गांधी फैमिली से हैं और इन्होंने गांव में राज करने के लिए क्या मैनिफेस्टो होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बुक लिखा है अ रूलर मैनिफेस्टो, तो याद रखिएगा। अगला हमारा मोदी अगेन। इस बुक के बारे में मैंने बताया था आपको, या बुक लिखा गया था इलेक्शन से पहले ही, तो मैंने आपको बताया था कि आभास मलदयार ने लिखा था, उनको आभास था कि मोदी फिर से आएगा, इस वजह से इन्होंने बुक कौन सी लिख दिया? मोदी अगेन। तो याद करिए, आभास मलदयार ने कौन सी बुक लिखा है? मोदी अगेन। नेक्स्ट है हमारा एवरी वोट्स काउंट। ये हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं नवीन चावला, उन्होंने लिखा था वोट्स के महत्व को बताने के लिए कि एवरी वोट्स काउंट्स बुक के राइटर कौन है? नवीन चावला। और इसके साथ साथ आप यह भी याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा नोटा वोट कहाँ पे पड़े हैं, तो बिहार में पड़े हैं। करीब 800,000 प्लस नोटा वोट पड़े हैं बिहार में। फिर हमारा सेलेस्ट्रियल बॉडीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओमान की एक लेखिका है जोखा अलहारती। अगर इस बार एग्ज़ाम में बुक्स या अवार्ड से क्वेश्चन आएगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसने 2019 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार जीता है सेलेस्ट्रियल बॉडीज़। ये किसने लिखा है? जोखा अलहारती ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह लिखा गया है अरबी भाषा में। ठीक, फिर हमारा सैफरन स्वार्ट्स। सैफरन स्वार्ट्स लिखा गया है मनोशी सिन्हा रावल के द्वारा।
किसने लिखा है, मनोषी सिन्हा रावल। उसके बाद याद करिए द वेलवेट ग्लव्स किसने लिखा है, बाल कृष्ण कामत में। आपको पता है कृष्ण जी बहुत ही दुलार से पाले गए थे, तो हमेशा क्या वेलवेट ग्लव्स में ही रहते थे। वेलवेट मतलब आप जानते हैं कि मखमली होता है, ठीक, तो हमेशा मटमल पे बिस्तर में रहते थे बाल कृष्ण कामत। द वेलवेट ग्लव्स के राइटर कौन है, बाल कृष्ण कामत। फिर हमारा रेडियो कश्मीर, रेडियो कश्मीर किसने लिखा है, राजेश भट्ट ने लिखा है रेडियो कश्मीर। उसके बाद हमारा फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी, यह लिखा है नीति आयोग के पूर्व जो पूर्व सीईओ थे उन्होंने लिखा है, जिनका नाम है अरविंद पनगड़िया, ठीक है, पूर्व उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, सॉरी सीईओ नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। उसके बाद है हमारा हिट रेफ्रेस, यह किसने लिखा है, तो सत्या नडेला ने लिखा है हिट रेफ्रेस, ठीक है। इसमें याद कर लीजिए कि सत्य को हिट नहीं किया जा सकता, इस वजह से इस बुक का नाम क्या है, हिट रिप्रेस, और इसको किसने लिखा है, सत्य नडेला ने। अगला हमारा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, आपको पता है स्टीफन हॉकिंस के बारे में, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने यह बुक लिखा है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसमें इन्होंने टाइम ट्रेवल के बारे में बताया है, इनका निधन भी हो गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा यह बुक किसने लिखा है, यह बुक लिखा है स्टीफन। अच्छा, इनका निधन कब हुआ था ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिए 14th of March में इनका निधन हुआ था, 14 मार्च को इनका निधन हुआ है। इन्होंने बुक लिखा है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसके अलावा ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन। तो एक याद कर लीजिए, आप ब्रीफ को एज अ कॉमन वर्ड याद कर लीजिए, और अगर आपके जो बुक का नाम है उसमें ब्रीफ आता है तो यह किसने लिखा है, स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारा अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, तो अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ किसने लिखा है, सौरभ गांगुली ने लिखा है इस बुक के बारे में कि एक सेंचुरी इज इनफ नहीं है, एक सेंचुरी इनफ नहीं है, यह किसने लिखा है, सौरभ गांगुली ने। अगला हमारा डेयर आई क्वेश्चन, अच्छा इस समय हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कौन हैं, वेंकैया नायडू हैं, लेकिन पूर्व में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, हामिद अंसारी। अब ये पूछ रहे हैं डेयर आई क्वेश्चन, क्या मैं कोई क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है, करने की हिम्मत रखता हूँ, तो यही इन्होंने बुक लिखा है डेयर आई क्वेश्चन, ठीक है, सब याद करने का बस एक तरीका है। अगला हमारा द इंग्लिश पेशेंट, द इंग्लिश पेशेंट लिखा है माइकल ओंडाटचे ने। याद कैसे करेंगे, देखिए ओंटमेंट क्या मींस क्या होता है, जैसे कोई भी मलहम होता है उसको हम लोग कहते हैं ओंटमेंट, तो याद कर लीजिए यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट है उसको चोट लगी तो उसको क्या देना होगा, ओंटमेंट लगाना होगा, तो फिर यहाँ पे द इंग्लिश पेशेंट के राइटर कौन हो जाएंगे, माइकल ओंडाटचे। उसके अलावा हमारा मिल्कमैन की राइटर कौन है, एना बंस हैं, ठीक। जैस्मिन डेज, इसने पहला जेसीबी अवार्ड जीता है, और इसके राइटर कौन है, तो बेन्यामिन है, जैस्मिन डेज ने जेसीबी अवार्ड जीता और इसके राइटर कौन है, बेन्यामिन, जैस्मिन से यामिन याद कर लीजिए, ठीक है, जैस्मिन यामिन। उसके अलावा हमारा 11R, तो 11R के बारे में किसने लिखा है, हुसैन जैदी ने लिखा है, एस हुसैन जैदी ने लिखा है 11R बुक के बारे में। फिर हमारा 281 एंड बियॉन्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको उसी तरह बताया था कि एक क्रिकेटर VVS लक्ष्मण जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाए थे, उन्होंने लिखा है इस बुक को VVS लक्ष्मण ने, 281 एंड बियॉन्ड। अगला जो है हमारा शशि थरूर, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है हमेशा, शशि थरूर के बुक्स जो होते हैं कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका पहला बुक है वाई आई एम अ हिंदू, ठीक, दूसरा है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, तीसरा है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तीसरा और पहला देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर एंड वाई आई एम अ हिंदू एंड नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, ये तीनों बुक किसके द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर के द्वारा। इसके अलावा हमारा द एक्सीडेंटल, वहाँ पे क्या था, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो दोनों में कन्फ्यूज, अगर पैराडॉक्सिकल आए तो शशि थरूर और एक्सीडेंटल आए तो संजय बारू, ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक किसने लिखा है, संजय बारू ने लिखा। फिर हमारा दुखम सुखम, यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है, यह बुक लिखी गई है ममता कालिया के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई है, ममता कालिया के द्वारा। नेक्स्ट हमारा ब्लू वाटर अहोय, यह लिखा गया है अनूप सिंह के द्वारा। एंड नेक्स्ट हमारा मेरे सपनों का भारत, यह किसने लिखा है, तो तरुण विजय ने लिखा है, ठीक है, किसने लिखा है मेरे सपनों का भारत, तरुण विजय ने। फिर हमारा एग्ज़ाम वॉरियर्स लिखा गया है मोदी के द्वारा। उसके बाद हमारा एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल यह किसने लिखा है, तो तपन कुमार चंद ने लिखा है, ठीक।
उसके अलावा दो बुक है, दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998, तो ये तो 2018 की बुक थी, मैंने आपको बताया था कि शीला दीक्षित ने लिखा है, केजरीवाल के आने से पहले ये वहाँ की सीएम थी। ठीक, उसके अलावा सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ, इस बुक की राइटर भी कौन है, शीला दीक्षित। तो दिल्ली के ऊपर जो दो बुक लिखी गई वो किसने लिखा है, शीला दीक्षित ने। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एंड आपको आंसर बताना होगा, ठीक है। तो चलिए आप मुझे बता दीजिए सैफ्रन श्वार्ट्स के बारे में, ठीक है, सैफ्रन श्वार्ट्स किसने लिखा है, इस बुक की राइटर कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, सैफ्रन श्वार्ट्स किसने लिखा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, मनोषी सिन्हा रावल, ठीक है, मनोषी सिन्हा रावल, सैफ्रन श्वार्ट्स। इसके अलावा अगला है वी आर डिस्प्लेस्ड, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसको किसने लिखा है, वी आर डिस्प्लेस बुक को किसने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको 2014 में नोबेल प्राइज़ मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ। तो जल्दी से बताइए, इसमें हमारा सही आंसर होगा मलाला यूसुफ़ज़ई, ठीक। अच्छा, रेडियो लेट्स टॉक ऑन AIR ये किसने लिखा है, लेट्स टॉक ऑन AIR, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसके बारे में। एंड एक और बुक था रेडियो कश्मीर, इन दोनों बुक को किसने लिखा है, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में देखिए, रेडियो कश्मीर को लिखा है राजेश भट्ट ने, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं जैस्मिन डेज के बारे में, जैस्मिन डेज किसने लिखा है, तो जैस्मिन डेज, इसको पहला जैसे भी अवार्ड भी मिला है, ठीक, और मिन से याद करिए जैस्मिन से। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इसमें बेन्यामिन होगा सही आंसर, ठीक। अगला हमारा 281 एंड बियॉन्ड, इस बुक के राइटर कौन है, इसके राइटर हैं VVS लक्ष्मण, ठीक है, एक क्रिकेटर है। अच्छा चलिए बताइए, गेम चेंजर बुक किसके ऊपर लिखी गई है, गेम चेंजर बुक किसके ऊपर लिखी गई है, किसने लिखा नहीं, किसके ऊपर लिखी गई है, या लिखा गया है शाहिद आफरीदी जो कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, और किसने लिखा है, तो वजाहत एस खान ने लिखा है। एक और है बुक जिसका नाम है, जो क्रिकेटर से संबंधित है और इसको लिखा है सौरभ गांगुली ने, उस बुक का नाम बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इस बुक का नाम होगा अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ठीक, सौरभ गांगुली की बुक का नाम क्या है, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा क्या है, मोदी अगेन, इस बुक के राइटर कौन है, मोदी अगेन बुक के राइटर कौन है, तो आभास मालदहियार हैं मोदी अगेन बुक के राइटर, कौन है, आभास मालदहियार। नवीन चावला जो कि हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने कौन सी बुक लिखा है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, इन्होंने लिखा है एवरी वोट्स काउंट, कौन सी बुक है, एवरी वोट्स काउंट, इन्होंने इस बुक को लिखा है एवरी वोट्स काउंट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जोखा अल्हार्थी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार जीता 2019 का, इनकी बुक का नाम क्या है, ठीक, तो जल्दी से बताइए, इनकी बुक का नाम होगा हमारा सेलेस्ट्रियल बॉडीज, ये एक अरबी, इन्होंने अरबी में लिखा और यह ओमान की है, ठीक है, बुक का नाम क्या है, सेलेस्ट्रियल बॉडीज। इसके अलावा मिल्क मैन बुक की राइटर कौन है, तो मिल्क मैन बुक की राइटर है एन्ना बंस। तो देखिए बहुत सारे बुक्स हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया और आप इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक, तो और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एग्ज़ाम के पहले देख सके इसके बारे में। एंड अगर कोई भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो किसी का रॉन्ग ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।